हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अनटोल्ड स्टोरीज। इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कुछ महिला बेनिफिशियरीज से जो छोटे से गांव में है और जो परिवर्तन जो हमारा HDFC बैंक का CSR प्रोग्राम है उसके अंतर्गत जुड़ी हुई है। तो स्वागत है आपका मिस श्रीमती शारदा कुरेटी जो कुलगांव से है, श्रीमती सुशीला शोरी वो भी कुलगांव से है जो कंकेर डिस्ट्रिक्ट में है छत्तीसगढ़ के, और श्रीमती लाटेश्वरी नेटम जो अतरगांव से है और वो पड़ता है कंकेर डिस्ट्रिक्ट में छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सब लोगों का इस एपिसोड में। मेरा पहला सवाल ये है कि आप हमें बताएं अपने बारे में, आपके परिवार के बारे में और आपके गांव के बारे में। जी, मेरा नाम श्रीमती शारदा कुरेटी है। मैं कांकेर जिले से 10 किलोमीटर मेरा गांव आता है, कांकेर जिले का आखिरी गांव है जहां से कोंडागांव जिला आरंभ होता है, उस ग्राम पंचायत की रहने वाली हूं। वो नाम है श्रीमती सुशीला सोरी। मैं ग्राम कुलगांव से, कुलगांव पंचायत से, और कांकेर जिला है, जिला से ना 10-11 किलोमीटर तो अंदर है सर गाँव, अपन के गाँव वही से हूँ। मेरी नाम है श्रीमती ललेश्वरी नेता, हमारा पोस्ट आतुरगांव है। तो हमें ये बताइए कि जब आप HDFC बैंक परिवर्तन और उद्योगिनी से जुड़ी तो आपके और आपके परिवार के जिंदगी में क्या बदलाव आया? अभी हमें खेती करने का एक नया तरीका मिला। HDFC परिवर्तन उद्योगिनी संस्था के माध्यम से हमें सिखाया गया कि तकनीकी तरीके से, वैज्ञानिकी पद्धति से इस तरह से खेती करते हैं, तो इसमें लाभ के बारे में बताया गया, बीज कौन से समय में डालना है और किस समय में, कितने दिन में बीज उतारना है, और 30 दिन में, जब 30 दिन का हो जाता है तो उसमें दवाई छिड़काव, पहला छिड़काव और दूसरा छिड़काव जो है 60 दिन में, इस तरह से विधि हम सीखते आए प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इस बार जब हम इस तरीके से करते आए हैं तो थोड़ा उसमें ज्यादा अच्छा लाभ हो रहा है और हुआ भी है। हमारे समूह में मतलब 21-22 लोग हैं, तो अपने घर में ना, अपने यहाँ कोई पेड़ में चढ़ने वाला नहीं है, तो मेरे समूह के लोग साथ दिए कि नहीं हम कर देंगे ऐसे करके, तो कर दिए। और एक पेड़ था, पेड़ में चढ़ाए, पेड़ में चढ़ाने के बाद जब 4 किलो अपने साथ साथ मिला तो उसको चढ़ाने के बाद वहां से मेरे को बहुत फायदा हुआ। कभी मैं ऐसी सोचा नहीं था कि इसमें मेरे को फायदा होगा करके। अभी संस्था में जुड़े मतलब समूह बनकर गांव में UDC के रूप में समूह गठन किए, उसमें हम UDC सदस्य भी हैं और हमको UDC से 4 किलो लाख दिए, उसमें हम अपने पेड़ में लगाए और 4 किलो बीज दिए उसको लगाए, उसके बाद हमें 21 दिन के बाद सूखी उतार गए और उसमें 30 दिन में दवाई का छिड़काव किए, उसके बाद में फिर तैयार हो जाता है, उसके बाद में कटाई करते हैं। हमको वहां से बहुत लाभ मिला, मतलब 4 किलो से बहुत हमको लाभ मिला। हमें बताइए कि ये लाख का जो खेती करते हैं आप लोग, इस पे जो आपने प्रशिक्षण या ट्रेनिंग सीख पाई है, इससे आप लोगों को क्या फायदा हुआ? पिछले समय में अब एक पेड़ से काटते थे तो 2000 या 3000 कुछ ऐसा होता था, इस बार एक पेड़ में लगा के देखे जो 4 किलो का लाख बीहन जो टीम के माध्यम से दिया गया था बीज बढ़ाने के लिए एक पेड़ में, तो उसको अभी 30 या 40 किलो का बेचे हैं जिसमें हमें 10,000 का करीब मुनाफा हुआ है। इससे पहले उसी पेड़ में से जब काटते थे तो 4 या 5 हजार का होता था, जब अच्छा फसल आता था तो, नहीं तो ऐसा नहीं होता था। हम कुछ रुपए आज जमा करते हैं ना सर, वो पहले करते नहीं थे, आज कुछ रुपए ज्यादा हुआ तो हमारी जिंदगी बदल गई, हमें ऐसा लग रहा है हम कुछ नया चीज खरीदे, कुछ नया सोचे, पहले इससे ऐसा नहीं था। जितना कुछ कमा लेते थे वो सब खर्च ही हो जाते थे अब, लेकिन अब बचा के रखने योग्य हमारी सोच बदल गई है। HDFC बैंक परिवर्तन के अंतर्गत बचतगत और महिला संगठन एक अहम हिस्सा है जिसमें आप लोग भी जुड़ी हुई हैं। ये बताइए जुड़ने के बाद आप लोगों को क्या फायदा हुआ है और आप लोगों ने स्वयं किस तरह से दूसरे महिलाओं को प्रेरित किया? 20 से 21 सदस्य जुड़े हैं तो उन लोग का देख के अभी स्वयं महिलाएं रुचि ले रही हैं, अच्छे अच्छे जानकारी मिल रही है और अच्छे से सीख मिल रहे हैं। एक दूसरे का देख के अब उन्हें बुला के जब हम अपने बारे में बताते हैं, हमारी देख के वो खुद आ रही हैं और इकट्ठित होके सब कुछ
हमसे बातचीत भी करती हैं, और इस साल हमारा दूसरा साल है, तो एक साथ अभी बेचने के बारे में सब पूछ के रुचि ले रही हैं। पहले क्या है कि वो फायदा क्या होता है, समूह में बैठ के समय बर्बाद है, ऐसे का कोई मिलना तो है नहीं, इस तरह से करके अधिकांश महिलाएं इसे दूर हटती थी, लेकिन अब जुड़ रही हैं और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके और रुचि ले रही हैं। जैसे हमको पहले इकट्ठा होने से बहुत दिक्कत पड़ती थी, मतलब समूह जोड़ने से मतलब कोई समय नहीं मिलता है, तो फिर हमको काम में जाना है ऐसे करके बोलते थे महिला लोग। तो हम बोली वीडीसी में यानी जुड़ने के बाद हमें, हम पहले जुड़े, उसके बाद में हमको एक साल काम किए उसमें, तो गांव के महिला लोग भी देखे हमको, यानी दीदी के पेड़ में अच्छा सा लाख है और दीदी को अच्छा भी गांव वाले चाहते हैं, मतलब देख के दीदी आप लोग कैसे कर लेती है खेती लाख का, ऐसे करके आपको कौन बताया कौन सिखाया, ऐसे करके गांव के दीदी लोग भी बोलते हैं। और ना दीदी लोग बोल के हम बताते थे कि इस संस्था से जुड़ने से हमें यह लाभ मिला है कि जो खेती करते हैं लाख का वो हम नहीं जानते, पहले परंपरा से ऐसे करते थे, मतलब ऐसे विधि अनुसार नहीं करते, ऐसे करके दीदी लोग को बताते हैं, तो दीदी लोग भी हमको देख के आगे आने की कोशिश कर रहे हैं और हमेशा ऐसे कोशिश में रहेंगे सर। जी दीदी, ये जो स्वयं सहायता समूह है और इसके साथ जो महिलाएं जुड़ रही हैं और जो बदलाव आ रहा है, आपने बताया कि परिवार में भी काफी बदलाव आता है, बच्चों के पढ़ाई के बारे में आप सोच सकती हैं, तो अभी ये जो धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है इस बदलाव से, अब आप क्या सोचती हैं, आप अपने बच्चों को किस तरीके की शिक्षा देना चाहती हैं और उनको क्या आगे भविष्य देना चाहती है, इसके बारे में अगर आप लोग बताएं तो काफी अच्छा होगा। अपने पास अगर रकम ज्यादा होती तो सोच भी मोटी हो गया, उनके बच्चे की भविष्य अच्छा हो। हम अभी सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हम गांव के शिक्षित लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं जो प्राइवेट स्कूल में, हम भी हमारे भी सोच भी बदलने वाली है। आज सोच रहे हैं हम कुछ छोटे छोटे कम कम पढ़े लिखे हैं, हम चाहते हैं कि हमसे ज्यादा पढ़े हैं हमारे बच्चे और आज अच्छा बने, कोई डॉक्टर बने कोई टीचर बने, यही सोच हमारी है सर। हमारी यही सोच है कि हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़े लिखे और अच्छे से आगे बढ़े, मतलब कुछ ना कुछ अपने भविष्य के बारे में कुछ करें, हमारे बच्चे लोग ऐसे करके सोचते हैं, और कुछ पैसे तो अपने खेती बाड़ी में लगाते हैं और कुछ पैसे अपने बचा कर रखते हैं। जी ये बताइए कि कल अगर HDFC बैंक ये प्रोजेक्ट से निकल जाए, से आप लोग किस तरह से इस गट को, इस समूह को आगे बढ़ाएंगे? समूह के माध्यम से जैसे लाख का खेती है उसको समूह मिल के चलाएंगे सर। अभी भी जैसे लाख था 4 किलो, उसको हम लोग फिर से वापस किए, दूसरे किसान को हम अपने समिति में मिलकर हम लोग कार्य किए, उसको वैसे आगे बढ़ाएंगे। अभी आप हमें प्लीज एक आपका कोई लोकल गाना जो हो वो गा के सुनाए। रि रि लो यो रे ला रे रे ला, रि रि लो यो रे ला रे रे ला, कहे ना के मामा बंधु करे, कहे ना के मामा बंधु करो, रि रि लो यो रे ला रे रे ला, रि रि लो यो रे ला रे रे ला, बांसना के मामा बंधु करो, बांसना के मामा बंधु करो, रि रि लो यो रे ला रे रे ला, रि रि लो यो रे ला रे रे ला, काहे ना के मामा गोली रोय, काहे ना के मामा गोली रो, रि रि लो यो रे ला रे रे ला, रि रि लो यो। वाह, धन्यवाद है आप सब लोगों का कि आप लोगों ने इतना सुंदर और सुरीला गाना हमें गा के सुनाया, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ हम आज का ये एपिसोड समापन करते हैं, एंड करते हैं। ये जो एपिसोड है ये प्रतीत करता है कि किस तरह से परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग ने लाखों महिलाओं को प्रेरित किया, उनको एक मौका दिया मेन स्ट्रीम में जुड़ने का, और उनको लाभ हुआ है, फ़ायदा हुआ है, ना सिर्फ उनको बल्कि बाकी सब महिलाओं को भी वो गाँव में और इनके फैमिली को भी। तो इसी का नाम है परिवर्तन, और
यही है हमारा ऑब्जेक्टिव HDFC बैंक के परिवर्तन के अंतर्गत. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द एपिसोड. थैंक यू वंस अगेन. Thank you.